कोरोना के इस संकट काल में लोग अपने अपने तरीके से सहयोग दे रहे हैं। होशंगाबाद में डायल 100 के चालक ने महामारी से परेशान लोगों की मदद के लिए अपना एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे दिया। होशंगाबाद में डायल 100 के चालक हितेश सिंह, जिनका घर केवल वेतन से ही चलता है, उन्होंने इस कठिन समय में गरीबों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना पूरा एक माह का वेतन देने का फैसला किया। हितेश ने डीआईजी अरविंद सक्सेना के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया है। इस कार्य का डीआईजी अरविंद सक्सेना द्वारा भी सराहना की गई है। साथ ही इस तरह के सहयोग करने के लिए और भी कर्मचारियों को प्रेरित करने की बात कही। हितेश सिंह ने बैंक के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष के बैंक अकाउंट में 8100 रुपए जमा कराए। सभी लोग इस प्राकृतिक आपदा में परेशान है, सभी लगे हुए हैं कुछ ना कुछ देने के लिए। इसलिए मुझे ये प्रेरणा आई कि मैं भी व्यक्तियों के लिए अपने पास से कुछ राशि दूं जो उनके काम आए, उनका सहयोग हो। मैं एक माह का वेतन दे रहा हूँ 8100 रुपये। मैं ये प्राकृतिक आपदा जो चल रही है उसमें सहयोग कर रहा हूँ, और मेरा सभी से निवेदन है, सभी भाइयों से, कि वो भी कुछ ना कुछ सहयोग करें इस प्राकृतिक आपदा के लिए। देखिए, जो हितेश सिंह हैं वो डायल 01 है, जो ये भोपाल तेरा थाना होशंगाबाद के अंतर्गत चलती है, तो उस पर ये चालक का कार्य करते हैं। और इन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो एक माह का वेतन इनको प्राप्त होता है, उस वेतन को ये कोरोना रिलीफ के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा फंड बनाया गया है, उस रिलीफ फंड में ये एक माह का वेतन दे, तो इनको एडवाइस किया गया है। एक पर्टिकुलर जो ऑनलाइन हमको सुविधा उपलब्ध है, उस ऑनलाइन सुविधा के विषय में अवगत कराते हुए बताया गया कि ये सीधे ही अपने अकाउंट के माध्यम से, जो निर्धारित अकाउंट है उसमें जो है ये सहायता राशि स्वयं ट्रांसफ़र कर दें। एक चालक के द्वारा जो कि डायल 100 पर कार्यरत है, इस प्रकार की जो विपदा है, उस प्राकृतिक विपदा के समय इस प्रकार का जो है सहयोग रिलीफ फंड में देना निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय काम है। और इसमें जो हितेश है इनकी मैं प्रशंसा करता हूँ, और इनका ये इस प्रकार का जो सहयोग है बड़ा अनुकरणीय है, और इससे सभी लोगों को ये प्रकार से एक प्रेरणा लेनी चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।